वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सतीश टीम सुपर 33 में आप सभी का स्वागत करता हूं। संविधान में हम आपको दो टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें भाग और अनुसूचियां थी। आज हम बात करेंगे संविधान कब बनकर लागू हुआ, कब बना, किसका किसका योगदान था, कौन अस्थायी अध्यक्ष थे और कौन स्थायी अध्यक्ष थे, इन सब पे चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से एक प्रश्न लगातार एग्जाम में आ रहा है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद सर क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। तो क्वेश्चन तो पहला यही बनता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में आकर कि यहां पर भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना, लेकिन भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा। तो यहां जो संविधान का निर्माण होना था उसके निर्माण में जो लोग भी बैठेंगे वो भारतीयों द्वारा ही निर्वाचित होंगे। तो ये इसका उद्देश्य था कि भारत में संविधान का निर्माण करा देना जो कि वहां के निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही होंगे। अब कैबिनेट मिशन जो आया उसमें तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, एग्जाम में पूछा जाता था लगातार, अभी भी आ रहा है, पीछे तो एग्जाम में पूछा गया ही, फिर रिपीट मार रहा है। क्या क्या? एक कैबिनेट मिशन के तीन मुख्य जो लोग थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, इसके तीन सदस्य मेल थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, नौसेना मंत्री ये कौन थे, एवी अलेक्जेंडर, ये भी आए हुए थे सदस्यों में से, और पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे। तो क्वेश्चन पूछता है कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य कौन कौन से हैं, ये सब भूल जाइए, नीचे क्या है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब आपको कैसे याद करना है वो आप सोचिए, तीनों ही नाम बिल्कुल रट लीजिए कि वो तीन सदस्य कौन कौन थे, यही एग्जाम में आता है बस। या पूछ सकता है इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का अंग नहीं था, तीन ऑप्शन बनी गए हैं, 1, 2, 3, एक ऑप्शन और बना दूंगा, बढ़िया क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। इसके बाद हम बात करें उद्देश्य हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया 1946। तो जो भारतीय संविधान बनना था उसके लिए और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन थी, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी ये जो चुनाव होना था वयस्क मताधिकार के हिसाब से नहीं होना था, वयस्क मताधिकार से ना होकर के जो विभिन्न रियासतों के प्रांतों के वहां के लोगों द्वारा निर्वाचित विधानमंडल के वहां के प्रांतों द्वारा निर्वाचित लोग थे उन्हीं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका गठन होना था। मतलब उस समय जो वहां के, जैसे इस समय तो आपको पता है चुनाव के माध्यम से आपके चाहे सांसद हो या विधायक को चुने जाते हैं, लेकिन उस समय जो उस पूरे आप सांसद कहें विधायक कहें जो भी कहें नेता थे वो वयस्क मताधिकार के हिसाब से नहीं चुने जाते थे, वो वहां के जाति के हिसाब से समुदाय के हिसाब से उनका चयन होता था। उस समय प्रमुख रूप से तीन समुदाय थे, एक था आपका सामान्य, दूसरा था आपका मुस्लिम समुदाय और तीसरा समुदाय था सिख, जिस समुदाय की जहां मेजोरिटी होती थी वहां उसका लीडरशिप उसी समुदाय का व्यक्ति करता था और इन्हीं में से लोगों को चुना जाना था जो संविधान सभा का निर्माण करने वाले थे। और ये जो संख्या थी इसमें निर्धारित था कि प्रत्येक 10 लाख
10 लाख की आबादी पर इनका एक लीडर इनको नेतृत्व करेगा। तो पूछा जाता है कि कितनी आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक सीट का, ये फंडामेंटल इनका था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, कितनी आबादी पे 10 लाख। मताधिकार कैसा था? वैश्य मताधिकार ना होकर के, वैश्य मताधिकार नहीं था। और ये किस प्रणाली से? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी, ये क्वेश्चन आता ही है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इस संविधान सभा की पहली बैठक में जो सबसे सीनियर था उसको अध्यक्ष बनाया गया। तो उस समय सबसे सीनियर आपके थे सचित्तानंद सिन्हा थे, नन सिन्हा जी थे। इनको संविधान सभा का अस्थाई, इनको उस समय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कुछ समय के लिए बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद, 9 दिसंबर से 2 दिन बाद, 11 दिसंबर को इसी संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी टेम्परेरी सचिवता सिन्हा जी बनाए गए थे क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे, इनको बनाया गया पहले। महज 2 दिन के लिए, 1946 1946, दोनों एक ही समय की घटनाएं हैं, महज 2 दिन का डिफरेंस। या संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक कब हुई है? 11 दिसंबर 1946। इन डेट्स को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको लेके चलते हैं। पिछला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जैसा कि आपने देखा कि संविधान सभा जिन सदस्यों के द्वारा बनाई जाएगी उन सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होना था, उसको प्रोसेस बता दिया है। उसके द्वारा संविधान सभा से 3-4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं जो हमने बोर्ड पे आपको लिख दिए हैं, समझना है कैसे क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम संविधान सभा कि जो आवाज उठाई किसके द्वारा, संविधान सभा की मांग की तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मीन सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग की गई उन 1895 में बीजी तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, एक क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट अगर बात करें उसी में, वैसे 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वो भी पूछता है। 1925 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 1925 में, तो एम एन रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 1925 में। इसके बाद देखिएगा 1940 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस प्रस्ताव को, अगस्त प्रस्ताव में इनके संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1940 जो अगस्त प्रस्ताव था उसी में इसको ब्रिटिश साम्राज्य ने इनके संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके द्वारा 1942 क्रिप्स मिशन में, जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की रूपरेखा तय कर दी गई कि संविधान कैसे बनेगा, संविधान सभा की रूपरेखा क्या होगी। इसका जो रूप पूरा खाका खींचा गया वो खींचा गया इसमें, कृष्ण प्रस्ताव में इसकी चर्चा हो गई। और लास्ट में ये बताए चुके हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पे फिर हमारे यहाँ भारतीय संविधान का निर्माण होना था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, जिसके 3 मुख्य सदस्यों को हम बता चुके हैं, लॉरेंस एलेक्जेंडर एंड स्टेफन क्रिप्स।
इतना आप पहले आप नोट कर लें, फिर देखते हैं आगे हम। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों सदस्य 6+1 एक अध्यक्ष, बाकी सदस्य टोटल 7 हो गए। 1 वाला ये जो इंडिकेटर मेरा B.R. अम्बेडकर के लिए है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, इसको रख लीजिए। इसके अलावा अन्य प्रक्रिया की बात करें तो निर्माण की प्रक्रिया 3 जून 1947 को शुरू होती है। 3 जून क्वेश्चन पूछा गया है कब शुरू होती? 3 जून 1947, ठीक है। इसके बाद जब आपका पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब पंजाब में पुनः चुनाव होते हैं। उस चुनाव में टोटल जो लोग होते हैं सदस्य होते हैं 308 जो जीत के आते, 308 में से केवल 299 लोग ही बैठक में सम्मिलित होते हैं। कब? 31 अक्टूबर उस चुनाव के बाद, जो 31 अक्टूबर को नए संविधान सभा की बैठक की जाती है दो जगह चुनाव होने के बाद, कहां कहां? पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब में। उसमें महज 308 सदस्यों में से 299 सदस्य ही पार्टिसिपेट होते हैं। तो एक मीटिंग ये होती है 31 अक्टूबर को होती है नए संविधान निर्माण के लिए। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 पर ये जितने होते हैं 299 में से 287 लोग हस्ताक्षर करते हैं, 287। तो फाइनल जब ड्राफ्टिंग हो जाती है उस पर साइन करने की बात आती है तो साइन होता है 26 नवंबर 1949, और कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं? 287 लोग। इस प्रकार भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी में आगे बात करें तो इस दिन से इसमें से कुछ अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, अंतरिम संसद और कुछ अन्य नियमों को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया जाता है, जबकि शेष भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू होता है। मीन्स 26 नवंबर 1949 से कुछ खास आर्टिकल नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, संसद से संबंधित, इन अनुच्छेदों को देश में लागू कर दिया जाता है, लेकिन संपूर्ण देश में कंप्लीट संविधान लागू करने की बात करें तो वो है 26 जनवरी 1950 कुछ समय बाद। तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कब लागू होता है, तो आपने देख ही लिया है। इसके अलावा प्रारूप समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत समितियों के बारे में। कुछ ऐसी समितियां हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं, उन सभी को मैंने लिख दिया है ताकि समय कम से कम लगे। मैं लिखूंगा समझाऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आ रही है ये देख लीजिएगा, संघ संविधान समित, संघ संविधान समित जो, और राज्य समित, राज्य से संबंधित हो या संघ से संबंधित हो, इस संविधान समित के जो आपके मेन अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, तो इन समितियों के मात्र अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि इन फला समित के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको यह तय करना है। संघ एवं राज्य संविधान समिति की बात करें जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय स्तर पे जो बना था आपका प्रांतीय संविधान सभा, प्रांतीय संविधान समिति या मूलाधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति, देखिए मूलाधिकार समिति, मूलाधिकार आपको पता है, मूलाधिकार का संबंध किससे है? पटेल से। तो समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? पटेल ही होंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल ही थे। और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति बनी थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पटेल थे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में हल्का सा चेंज है, मूलाधिकार अल्पसंख्यक उप समित, अगर उप समित लग जाए तो इसके थे जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। अगर समित है
तो पटेल साहब हैं, अगर उप समित है तो जेबी कृपलानी हो जाते हैं। झंडा समित, ध्वज तदर्थ समित, देसी रियायतों से संबंधित समित, वार्ता समित, संचालन समित और एक और है प्रक्रिया समित। प्रक्रिया समित मींस झंडा संबंधी ध्वज वही चीज है, या देसी रियासतों संबंधी बात करें, या वार्ता संबंधी बात करें, संचालन संबंधी बात करें, इन सभी समस्त समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति, कैसे कार, कैसे के मुंशी, कैसे कार बेस्ट है पकड़ के पकड़ लीजिए। तो कार्य संचालन थे के एम मुंशी और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। इसके अलावा ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने की। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष और विदेशी संबंधी मामलों के जो देखते थे वो कौन देखते थे, जवाहरलाल नेहरू। अब इतना करने के बाद ये आपका समितियां हो गई, कौन अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो एग्जाम में लगातार आ रहा है, हमारा संविधान जब बनकर सब रेडी हो गया, सब हो गया, तो इसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची, ये सब पूछा जाता है। और एक तो बाद में चर्चा करेंगे, कर ही रहे हैं। और एक क्वेश्चन बड़ा पूछा, कितने समय में बनकर तैयार हुआ, तो दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पूरे संविधान सभा को तैयार होने में, पूरा संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस प्रश्न को भी एग्जामिनर ने कई बार पूछा, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाग, भाग एक, भाग दो, भाग तीन। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, कहां से क्या चीजें ली गई हैं, मूल अधिकार कहां से लिए गए, बता चुका हूं अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, या विधि का शासन कहां से लिया गया, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और भाग एक हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। इस वीडियोज में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अधिकतम अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियोज को पहुंचाइए, आप लाइक करें, कमेंट्स करें और लगातार वीडियो को देखते रहें। जय हिंद जय भारत।